Hello students, how are you all? I hope you all are doing great and staying safe at your home. So today we are going to discuss chapter number 2 of your English grammar book, that is sentences. Okay, so this is the new topic, sentences. Do you know what is sentence? Okay, मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस क्या होते हैं. ठीक है, इस वीडियो को आपको अच्छे से समझना है, देन आपको समझ आ जाएगा कि सेंटेंस क्या होते हैं. लुक स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस को अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखे हैं, उनको आपको अच्छे से लर्न करना है, देन आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं. ठीक है, सेंटेंसेस जो है स्टूडेंट्स, उसको हिंदी में हम बोलते हैं वाक्य. क्या बोलते हैं? वाक्य. ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उन पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है. अ सेंटेंस, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ सेंटेंस की डेफिनेशन बताई है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस जो है स्टूडेंट्स, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमको कंप्लीट सेंस देते हैं. ठीक है, अब आप लोग मेरी बात सुनिए. आप लोग क्या करते हैं, अगर एक पर्सन है उसके साथ में अगर 4 to 5 पर्सन अगर बैठ जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक ग्रुप बन जाता है. आप कहते हो ना कि मैम हमारे ग्रुप के फ्रेंड के साथ में हम लोग प्लेग्राउंड में गेम्स खेलेंगे, मैम मेरा ये वाला ग्रुप है, मैम मैं इस ग्रुप में हूँ, ऐसे आप लोग बोलते हैं बहुत बार, है ना. तो ये क्या होता है, ये आप लोगों ने क्या बना लिया, आपके फ्रेंड्स ने मिलकर ये ग्रुप बना लिया है. ठीक है, आप सबने मिलकर ग्रुप बना लिया, तो सेंटेंसेस भी क्या होते हैं, वर्ड्स का. ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में अल्फाबेट 1 में देखे थे ना बहुत सारे वर्ड्स, उन वर्ड्स का क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है. वो सब वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, स्टूडेंट्स एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए. ठीक है, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड बना है उसको एक मतलब निकलना चाहिए, मतलब दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. मतलब ऐसा नहीं कि ग्रुप बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया और उसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है. मतलब उस वर्ड से वो वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बना रहे हैं और उस सेंटेंस से कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है. अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहे हैं तो वो क्या देना है, उनको क्या देना है, एक कंप्लीट सेंस, मतलब एक पूरा मीनिंग देना है. अगर वो एक पूरा मीनिंग नहीं देते हैं, मतलब कि वो सब ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके भी हमको कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, मतलब वो सेंटेंस तो बन गया है पर वो सेंटेंस अगर हमको कुछ समझा नहीं पा रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं होगा. जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं और वो सेंटेंस का कोई ना कोई मीनिंग निकलता है, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, आपका एक सेंटेंस, तब जाके वो क्या कहलाएगा, एक सेंटेंस कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला माय नेम इज लक्ष्मी. ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि मैम क्या बता रही है, अपना नेम बता रही है. मैंने 4 वर्ड है, माय नेम इज और लक्ष्मी, इन चारों वर्ड का ग्रुप बनाया और ग्रुप से क्या बन गया, पूरा सेंटेंस बन गया. मैंने 4 वर्ड लिए, माय नेम इज लक्ष्मी, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड थे, इन ग्रुप ऑफ वर्ड से मैंने क्या बना लिया, एक सेंटेंस बना लिया, माय नेम इज लक्ष्मी. बट अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, नेम इज लक्ष्मी माय, तो इज इट करेक्ट? अगर मैं ऐसे बोलती हूँ नेम इज लक्ष्मी माय, तो दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, मिलके एक सेंटेंस भी बना रहे हैं पर उसका कोई मतलब उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है. वो ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके हमें कोई भी सेंस नहीं दे रहे, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है कि सेंटेंस हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो तब वो चीज़ क्या होगी, सेंटेंस नहीं होगी. बट मैं उन चारों वर्ड्स को मिला के सेंटेंस ये बनाती हूँ, माय नेम इज लक्ष्मी, तब जाके क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वो एक सेंटेंस बनेगा. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने बोला आई रीड इन क्लास 2, ठीक है, मैंने बोला आई रीड इन क्लास 2, तो मैंने ये बोला कि मैंने ये सारे वर्ड्स मिला के क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया, आई रीड इन क्लास 2, तो आपको समझ आ रहा है कि मैं क्लास 2nd में हूँ. बट अगर मैं बोलती हूँ क्लास 2 रीड इन आई, क्लास 2 रीड इन आई, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो तो मैंने मिला लिए, सेंटेंस बना लिया, बट वो क्या सेंटेंस हमको कंप्लीट सेंस दे रहा है? नो, वो सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. दैट्स वाई वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट ही नहीं है, क्योंकि उससे कुछ मतलब भी नहीं निकल रहा है. जब मैं ऐसे बोलती हूँ आई रीड इन क्लास 2nd तो समझ में आता है, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ आई क्लास 2nd रीड, तो क्या समझ में आ रहा है? नो, तो वो चीज आपको पूरा मतलब मीनिंग नहीं दे रही है, दैट्स वाई वो सेंटेंस नहीं होगा.
सेंटेंस कब होगा? जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके आपको एक कंप्लीट सेंस देते हैं, ठीक है। सेकेंड है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप लोग एक न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको उसको किससे स्टार्ट करना है? कैपिटल लेटर से, ठीक है। जब आप कैपिटल करते हो, फर्स्ट लेटर लिखते हैं ना, कैपिटल लेटर, उससे आपको स्टार्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो मिस्टेक करते हैं इस चीज में, आप लोग ये फ्लो में लिखते जाते हैं और क्या सेंटेंस अगर आप न्यू भी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप लोग कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते। बट ये रूल है स्टूडेंट्स, ये आपको आगे जाके रूल है आपके लिए, और आप अगर इस चीज को अगर अभी से फॉलो कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज आपका लॉस हो जाएगा बेटा। तो आपको क्या करना है, हर सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले उसका फर्स्ट लेटर किससे लिखना है? कैपिटल लेटर से, ठीक है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, हर सेंटेंस जो है हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। थर्ड थिंग, अ स्टेटमेंट और अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं अपन सेंटेंस को, तो वो हमेशा किससे एंड होता है? स्टार्ट तो होता है कैपिटल लेटर से, बट एंड किससे होता है स्टूडेंट्स? फुल स्टॉप से, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एक सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट जो है वो हमेशा एंड किससे होता है? एक फुल स्टॉप से एंड होता है, और फुल स्टॉप कैसा होता है? ये डॉट, इसी को बोलते हैं ना। देखो मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये मैंने स्टार्ट करा है कैपिटल लेटर से और स्टॉप करा है मतलब एंड करा है फुल स्टॉप से, ठीक है। फिर आपस में नया सेंटेंस लिखा है तो नया सेंटेंस स्टार्ट करा है कैपिटल लेटर से और खत्म करा है फुल स्टॉप से, ठीक है। और अगर कोई सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट फूड, वेयर डू यू लिव, ठीक है, व्हाई आर यू लेट, इस तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन किससे एंड होगा? क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। दिस इज द मार्क ऑफ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन किससे एंड होगा? क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। तो आपको ये चार चीजें याद रखनी है। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमको कंप्लीट सेंस देता है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं तो वो सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। स्टेटमेंट और जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा किससे एंड होते हैं? फुल स्टॉप से, ठीक है। फुल स्टॉप का साइन मैंने आपको शो कर रखा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और जो क्वेश्चन होता है लाइक व्हाट इज योर नेम, विच इज योर क्लास, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू ईट, इस तरह से, तो वो क्या होते हैं? आपके क्वेश्चन मार्क से, मतलब इस साइन से एंड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लुक, अब आपकी बुक से देखते हैं। रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमको पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे वन वर्ड टू वर्ड मिलके क्या बन रहा है? ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड टू वर्ड थ्री वर्ड, ये तीनों वर्ड मिलके भी क्या बना रहे हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड बना रहे हैं। बट यहाँ पे लिखा है द गर्ल, यहाँ पे लिखा है द गर्ल ईटिंग, बट यहाँ क्या लिखा है? द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पे लिखा है द गर्ल मतलब लड़की, द गर्ल ईटिंग, तो ईटिंग क्या कर रही है? तो मेंशन नहीं है ना, तो ये हमको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि भाई आइसक्रीम खा रही है, पिज्जा खा रही है, बर्गर खा रही है, चॉकलेट खा रही है, क्या खा रही है, तो हमको ये कुछ भी नहीं बताया है। तो द गर्ल ईटिंग, तो ईटिंग क्या कर रही है हमको पता ही नहीं है। अब द गर्ल व्हाट, खड़ी है, बैठी है, क्या कर रही है, कुछ काम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। ये ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके भी कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहे। बट जब बात करते हैं द थर्ड वाले की, द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, यहाँ वाला सेंटेंस जो है ये हमको क्या दे रहा है? एक पूरा मीनिंगफुल कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक सेंटेंस है। ये क्या एक सेंटेंस है? द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल, ये वाला सेंटेंस हमें पूरा मीनिंगफुल कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो ये क्या है? एक प्रॉपर सेंटेंस है, ठीक है। द फर्स्ट टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए एंड बी डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, ये दोनों कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे। बट जो थर्ड ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। अ सेंटेंस, ये मैंने आपको बताया था, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस देते हैं। और सेंटेंस जो है वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ओके, टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेस। फर्स्ट वाला है द बॉय, सेकेंड है द बॉय सिटिंग, यहाँ पे लिखा है सिर्फ लड़का, अब लड़का बैठा है,
किस पे बैठा है, ट्रेन में बैठा है, चेयर पे बैठा है, सोफे पे बैठा है, किस पे बैठा है, कुछ भी बताया है? नहीं बताया है। द बॉय इज सिटिंग ऑन अ चेयर, यहाँ पूरा क्लियर बताया है कि बॉय जो है वो बैठा तो है बट किस पे बैठा है, चेयर पे। पूरा पूरा मतलब एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है। तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको टिक कर दिया है। सेकंड वाला है बर्ड्स, चिड़िया, सिर्फ चिड़िया है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स जो है वो स्काई में फ्लाई कर रही है। बर्ड्स आर चिड़िया है, तो कौन सा वाला आपको मीनिंगफुल मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके सेंस दे रहा है? ये बी वाला, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, दैट्स व्हाई मैंने इस पर टिक कर दिया। थर्ड है टॉम इज ईटिंग एन आइसक्रीम, ये ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके जो है ये पूरा एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो यही हमारा सेंटेंस है, इज ईटिंग एन, क्या कौन क्या ईट कर रहा है कुछ भी नहीं पता, और टॉम इज, टॉम है, टॉम क्या है, टॉम बॉय है, टॉम गर्ल है, टॉम किसी एनिमल का नेम है, टॉम किसी प्लेस का नेम है, कुछ भी हमको नहीं दिया हुआ है। तो ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड जो मिलके हमको कुछ भी सेंस नहीं दे रहे हैं, कंप्लीट सेंस कौन बना रहा है, ये वाला सेंटेंस, तो इसलिए ये सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट केयरफुली, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक परफेक्टली। ओके, थैंक यू एवरीवन।